नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज की सबसे पहली खबर, पटना हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर की बहाली पर लगाई रोक, रिजल्ट कैंसिल कर दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की तरफ से की गई जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए 40% आरक्षण वाले जूनियर इंजीनियर के 6,379 पदों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार के खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में साल 2019 में विज्ञापन के जरिए 6,379 जूनियर इंजीनियर की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी। राज्य सरकार ने इसमें 40% का आरक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए रखा था जिन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था। आरक्षण वाले इस बिंदु को लेकर वैकेंसी के रिजल्ट के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में 40 आरक्षण सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए दिए जाने की व्यवस्था को गलत माना है, और पुराने रिजल्ट को कैंसिल करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने 3 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाईकोर्ट ने इस बहाली में 40% के आरक्षण के साथ इन नियुक्तियों और मेरिट लिस्ट को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार को फिर से मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अब इसके लिए नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। बड़ी खबर, बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। जी हां, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। सीतामढ़ी समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 38 जिलों में फायर अलर्ट, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने बढ़ाया आग का खतरा। जी हां, बिहार के 38 जिलों में गर्मी के बीच फायर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 24 घंटे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाम की स्थिति खत्म करने को भी आदेश जारी किया गया है, जिससे आग की घटना में राहत एवं बचाव में कोई बाधा नहीं आने पाए। पटना में आग को 2-3 बड़ी घटना के बाद अलर्ट पर है। गर्मी के दिनों में तेज गर्म हवा के कारण आग की घटनाएं बढ़ जाती है। इससे निपटने के लिए 38 जिलों के DM को गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें लोगों से अपील करने के साथ ही प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, महंगी नहीं होगी बिजली, साथ ही सब्सिडी की राशि भी जारी। जी हां, बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार के 1,60,00,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर भुगतान करना होगा, यानी बिहार में बिजली महंगी होने नहीं जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी राशि जारी किए जाने के बाद यह तय हो गया कि बिहार में फिलहाल बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेगी। सोमवार को भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी राशि की मंजूरी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई थी, और इसके साथ ही हो गया कि बिजली बिहार में महंगी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, पटना के 138 कोचिंग संस्थान होंगे बंद, आयोग पाए जाने पर DM ने दिया निर्देश। यह पटना के 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट को आयोग मानते हुए बंद करने का नोटिस DM ने जारी किया है। इस आदेश को नहीं मानने वाले कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई की जा सकती है। आदेश नहीं मानने वाले कोचिंग संचालकों पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। गौरतलब है कि कोचिंग निबंधन के लिए पिछले दिनों कई आवेदन मिले थे, जिसमें 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया था। जांच के दौरान 138 कोचिंग संस्थानों को आयोग पाया गया और आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके बाद इन कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, सहरसा से दरभंगा को इसी माह चलेगी इंटरसिटी ट्रेन, लाखों की आबादी को होगा फायदा। जी हां, इसी माह से सहरसा दरभंगा नए रूट पर इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन दौड़ेगी। ट्रेन परिचालन शुरू करने को रेल प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुट गया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के परिचालन की तिथि आने के साथ ही परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सहरसा से सुपौल, निर्मली, सकरी, तमोरिया, झंझारपुर होकर दरभंगा तक ट्रेन के आने जाने से कोसी मिथिलांचल क्षेत्र के लाखों की आबादी को फायदा होगा। वे कम
समय और खर्च पर आवाजाही कर सकेंगे। समस्तीपुर मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने कहा कि सहरसा दरभंगा नए रोड पर ट्रेन परिचालन अप्रैल माह में शुरू होगी। ट्रेन परिचालन की तिथि के लिए लगातार संपर्क में है। ट्रेन परिचालन की तिथि जल्द रेलवे बोर्ड से आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, CET BEd के लिए 25 अप्रैल से नामांकन के लिए खुलेगा पोर्टल। राज्य भर के सरकारी और निजी BEd कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है। इसमें आवेदन के लिए BEd 25 अप्रैल से पोर्टल खुल जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन में ₹1,000 देना होगा। इसके लिए राशि ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई है। 18 से 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। 9 जून को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वही 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। राज्य भर में करीब 330 कॉलेज में 35,000 के आसपास सीटें हैं। हालांकि सभी विश्वविद्यालय से उसके अंतर्गत आने वाले कॉलेज की सूचना मांगी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार चना और मसूर भी खरीदेगी। जी हां, बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने अब चना और मसूर की फसल खरीदने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत दलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 20 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना और मसूर खरीदने का निर्णय लिया गया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि विभाग 20 अप्रैल से पूरे राज्य में चना और मसूर की खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं आसैनिक आपूर्ति निगम प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर क्रय केंद्र की स्थापना कर रहा है। राज्य के पंजीकृत किसानों से चना और मसूर की खरीद होगी। आपको बता दें कि चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर का 5500 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब शिक्षा विभाग करेगा मदरसों में सहायक शिक्षकों व क्लर्क की नियुक्ति। जी हां, राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक लिपिक और परिवारिक के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होगी। नियुक्तियां जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। अगली बड़ी खबर, DLED और BEd में होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में खुलेगा ICT लैब। जी हां, चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने नई योजनाओं पर अमल करना आरंभ कर दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में DLED और BEd में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होगी। इस वर्ष सभी सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में ICT लैब की स्थापना होगी। इसके साथ ही सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में अनुसंधान एक्शन रिसर्च जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, CBSE के 10वीं में लाल और 12वीं में नीले रंग की रहेगी उत्तर पुस्तिका। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं टर्म 2 की उत्तर पुस्तिका अलग अलग रंग की होगी। 10वीं की उत्तर पुस्तिका लाल रंग की तो वहीं 12वीं के नीले रंग की होगी। बोर्ड की माने तो इसकी जानकारी सभी परीक्षा केंद्रों को दे दी गई है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं गणित विषय की उत्तर पुस्तिका हरे रंग की रहेगी। ज्ञात हो कि इस बार 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के शेड्यूल को सीमित किया गया है। 1 महीने में परीक्षा समाप्त होगी। ऐसे में 10वीं और 12वीं के कई विषयों की परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में ली जाएगी। खबर, बिहार में सभी को फ्री में लगेगा बूस्टर डोज। 18-60 आयु वर्ग वालों का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। अब सीधे चुने जाएंगे मेयर और डिप्टी मेयर। जी हां, बिहार में कोरोना का बूस्टर डोज भी पूरी तरह फ्री होगा। किसी को इसके लिए कोई राशि नहीं चुकानी होगी। 60 प्लस वालों को जहां केंद्र सरकार फ्री में बूस्टर डोज लगवा रही है, वहीं अब 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के बूस्टर डोज का खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। राज्य के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों के साथ इसे स्वीकृति दी है। सरकार की तरफ से बूस्टर डोज का अनुमानित खर्च 1314.15 करोड़ रुपए तय किया गया है। इनमें से खर्च की पहली किस्त 583.43 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सम्राट अशोक की जयंती अब राज के समारोह। जी हां, नीतीश कैबिनेट ने कल कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज के अंदर 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का फैसला किया है। अब मुंगेर और पूर्वी चंपारण में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार की तरफ से 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है। साथ ही एक और बड़ा फैसला करते हुए नीतीश सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती को राज के समारोह के रूप में मनाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है। अब सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर पटना में राज के समारोह के तौर पर मनाई जाएगी।
बड़ी खबर, बिहार में फिर 1 लाख पार होगी कोरोना की जांच। सीएम के अलर्ट के बाद अब जांच बढ़ाने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग में हाई लेवल बैठक। जी हां, बिहार में कोरोना की चौथी लहर की तैयारी पर हाई लेवल बैठक चल रही है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का मंथन चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के अलर्ट के बाद अब जांच को फिर 1 लाख पार ले जाने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग में जांच बढ़ाने से लेकर कोरोना से निपटने की कई बड़ी प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में एक दिन में 70 से 80 हजार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इसमें अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ ही सामान्य लोग भी शामिल है। ऐसे लोगों की जांच कराई जा रही है जो बाहर से आ रहे हैं। देश में चौथी लहर की आशंका को लेकर दहशत है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में अलर्ट की बात कही है। सीएम के इस आदेश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की हाई लेवल की बैठक में कोरोना को लेकर योजना बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका में जांच और वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। वाहन मालिकों की मौत के बाद गाड़ी का ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। कार्रवाई की तैयारी में विभाग। जी हां, बिहार के परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। ऐसा किए बिना गाड़ी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना ट्रांसफर कराए बिना वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसी गाड़ियां जो सड़क पर चलने योग्य नहीं है उनका निबंधन भी रद्द कराना होगा। आज के लिए आपका सवाल बताया कि बिहार में जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट को कैंसिल करने का फैसला सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।